हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैक कॉन्सेप्ट। आज हम यहाँ पे एक और बहुत इम्पोर्टेंट सर्कुलर के साथ आ चुके हैं जो जीटीयू का बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्कुलर है। ये आप देख सकते हैं, ये आज ही के डेट 29/10/2020 को जो है जीटीयू के साइट पे पब्लिश हुआ था। यहाँ पे क्या लिखा है, इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग दी फिलिंग स्टूडेंट कैपेसिटी फॉर विंटर 2020 एग्जामिनेशन। सो गाइज, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है डाउट था कि जो विंटर 2020 एग्जामिनेशन होने वाले हैं वो ऑफलाइन ऑनलाइन कौन से मोड से होगा और एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव होगा या MCQ। यहाँ पे क्लियरली तो उन्होंने नहीं बताया कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, वो इन्होंने क्लियरली बताया, लेकिन डिस्क्रिप्टिव होगा या MCQ टाइप होगा वो उन्होंने क्लियरली नहीं बताया है। सो इन्होंने देखते हैं नीचे क्या लिखा है। ये तो इंस्ट्रक्शन बेसिकली कॉलेजेस या जो प्रिंसिपल्स हैं उनके लिए हैं, बट ये स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो देख ले कि एग्ज़ाम किस तरीके से कंडक्ट हो सकता है। सो यहाँ पे लिखा है कि सारे कॉलेजेस के प्रिंसिपल से उन्होंने ये मांगा है कि कितने स्टूडेंट वो लोग एक अपने इंस्टीट्यूट में बिठा सकते हैं। सो उन्होंने यहाँ पे दिया है कि अगर एक क्लासरूम में 30 बेंच हैं आपके पास, तो वहाँ पे एक ब्लॉक होगा 15 स्टूडेंट शैल बी एक ब्लॉक बनाना है आपको 15 स्टूडेंट ईच, और अगर आपके 60 ब्लॉक बेंचेस है तो 2 ब्लॉक्स बनाने हैं विद 15 स्टूडेंट शैल बी मेड। ओके, सो यहाँ पे पूछा गया कि BEME सारे कॉलेजेस को BER से सारे मतलब GTU के अंडर जो भी आते हैं सबको उन्होंने कहा है कि आप कितने स्टूडेंट्स एलोकेट कर सकते हैं वो बताइए। इसका पूरा मतलब यही होता है कि एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन मोड से होगा और आपको जो है इंस्टीट्यूट में अपियर होना पड़ेगा फॉर दी एग्जामिनेशन। सो नो ऑनलाइन एग्ज़ाम विल बी देयर। आप होप कर सकते हैं कि एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होगी और एज़ पर आई थिंक के एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव मोड पे ही होगा। शायद वेटेज कम किया जा सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली तो डिस्क्रिप्टिव वे में ही होगा। सो लेट्स सी नेक्स्ट सर्कुलर में ये लोग शायद जारी कर दे कि डिस्क्रिप्टिव होगा या MCQ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और ऐसे ही इंस्टीट्यूट रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू सो मच।